ये तो वापस आ गए। मतलब दादी सही कह रही, इन्हें अब भी मुझ पर भरोसा है। ये तो इतनी जल्दी रूम में आ गए और मैंने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया कि मुझे करना क्या है। नहीं, अच्छे लग रहे थे हम दोनों एक साथ कल। बस वो चंपक नहीं आया होता ना तो ये मुझे प्रपोज कर देते और फिर हम दोनों इतनी दूर नहीं बैठे होते। अब क्या करूं, यही बैठा रहूं या उसके पास जाऊं? अभी तू भी ना, उसे समझाना है तो उसके पास जाके ही समझाना होगा ना। ये तो मेरे पास आ रहे हैं। ध्यान रखना, अगर वो एक कदम तेरी तरफ बढ़ा रहा है तो तू दो कदम बढ़ाना, क्योंकि जितनी गलती उसकी है ना उससे ज्यादा तेरी गलती है। दादी ने ये तो बता दिया कि करना क्या है, पर ये क्यों नहीं बताया कि पास आए तो क्या करना है? मैंने ये डिसाइड तो कर लिया कि मुझे करना क्या है, पर ये डिसाइड नहीं किया कि पास जाके क्या करना है। सारी रात रोई होगी, पर इतना रोने के बाद भी इसकी आंखें उतनी ही खूबसूरत लग रही है जितनी पहले लगती थी। ये मेरी आंखों में इनके लिए प्यार है, ये वाकई इतने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, डायरेक्ट ही कह दूं? आपने कुछ कहा? हाँ, वो कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें और गिरना नहीं चाहिए था। और आपने जो कुछ किया उसके बाद आपको पकड़ना नहीं चाहिए था। तुम गुस्सा क्यों हो रही? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी जो तुम गिरी हो। मैं तब की बात कर रही हूँ जब आप तनु के हाथ से सैंडविच खा रहे थे। उसे छूने के बाद मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ी मुझे। Remember what I told you yesterday? हमारे बीच में कोई एम्प्लॉय बॉस वाला कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब खत्म, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मत छोड़ी, उठाए रखे, जब थक जाएंगे खुद छोड़ देंगे। Every day exercise, दो को एक साथ उठा सकता हूँ, दो को एक साथ exercise every day। आपको तो जरूरत भी है ना, एक तनु और उसका बच्चा, दोनों को उठाइए। ये क्या था? This is कर्म का फल। कर्मों का फल? जैसे कर्म आपके है ना, आपको तो रोज रोज फल मिलते होंगे। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना फिर से कमरा छोड़कर चला जाऊंगा मैं। चले जाइए। भगवान प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो, देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा, तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निकल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, लिसन टू मी, यस जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो, रोशनी यस ही जोकर, लिसन टू मी डैम इट, यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो, यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है, हाउ कुड इट बी, और तुम कोमा में थे ना, ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ, और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। ए सरोजनी बिटिया, ए थोड़ा संयम से काम लेना, कहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी।
अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा वहाँ। ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारे मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या,